Hello students, welcome back to the world of mathematics. Mathematics ki is duniya mein aap sabhi ka hardik swagat hai. My name is Mahendra Sangani and you are watching my YouTube channel Math is Everywhere. Okay, so dosto ye hai practice problem, 20 most important practice problem logarithm chapter ke. To logarithm chapter wala jo video hai hamara, बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट के जो बेस पे मैंने वीडियो बनाया है, उसमें थर्ड वीडियो था लॉगरिथम के बेस पे. वो 3.1 से मैंने थियोरिटिकल पोर्शन एंड सम ऑफ द क्वेश्चन वी हैव सॉल्व इन दैट वीडियोस, एंड 3.2 के नाम से मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा जिसको आपको सॉल्व करना है. और पहले मैं ये 20 क्वेश्चन आपको दिखाऊँगा, सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन आफ्टर आप वीडियो पोस्ट करते जाना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना. ओके, सो इस तरह से सभी क्वेश्चन है. कोई क्वेश्चन रह गए हो तो ये देख लेना सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से, ठीक है. सो ये जो 20 क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट सभी तरह के टॉपिक कवर कर लेंगे ये चैप्टर का, लॉगरिथम चैप्टर का, एक्सेप्ट वन टॉपिक विच इज़ इनइक्वलिटी इन लॉगरिथम. वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि हमने मॉड्यूलस वाले टॉपिक में भी बात की थी कि इनइक्वलिटी इन मॉड्यूलस, वो एक टॉपिक बाकी रह गया है बिकॉज इनइक्वलिटी कंसेप्ट ही पूरा बाकी है हमारा. सो इनइक्वलिटी इन मॉड्यूलस एंड इनइक्वलिटी इन लॉगरिथम, ये जो दो टॉपिक है मॉड्यूलस एंड लॉगरिथम वाले इनइक्वलिटी के बेस पे, वो हमने बाकी रखे हैं. बाकी सब कुछ हमने कवर कर लिया है, सो दैट आप हर तरह से कंप्लीट हो पाओ ये चैप्टर में. तो ये टॉपिक को, ये क्वेश्चंस को बराबर से सॉल्व करना, और उसके सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे नीचे दिए हैं. सो पहले आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना एंड देन आफ्टर यू कैन सी दिस सॉल्यूशंस. मैंने डिटेल्ड में ही ये सॉल्यूशन लिखा है ताकि हर स्टूडेंट को बराबर से समझ में आए. ओके, सो आपको वीडियो को पॉज करते रहना और ये सॉल्यूशंस को बराबर से देख लेना. और अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, देन यू कैन गिव कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल और यू कैन कॉल मी ऑन माय नंबर. क्वेश्चन 3 है. Question 5, question 6. मैंने कोशिश की है कि हर तरह की पेन यूज़ करके सॉल्यूशन में बराबर से समझ में आए, उस हिसाब से डिटेलिंग डाली है सो दैट आप समझ सको कि कहाँ पे कैसे सॉल्यूशन को कैसे सोचा जा सकता है, ठीक है. जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मैंने बाजू में भी लिखी हो गया, अगर नहीं आपके लिए नए हो तो. क्वेश्चन 8 और ये क्वेश्चन 6 से सिमिलर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिमिलर, फ्रॉम हियर इट इज़ सिमिलर टू क्वेश्चन 6. यहाँ से क्वेश्चन 6 के जैसा ही ये क्वेश्चन हो गया. इस क्वेश्चन को बराबर से देखना और ये पावर आगे आ रहा है उसको देखना, और यहाँ पे लॉग 100 बाय 100 तो ये 1 हो जाता है, 1 होता जाता है, तो वैसे ही हर बार ये 1 होता जाता है और उसका पावर आगे आ जाता है. अगेन ये 97 से आगे जो पावर है वो सब आगे आ जाएगा और ये खुद लॉग 98 बेस 98 ऐसा बचेगा, वो 1 हो जाएगा. तो उस तरह से ये प्रोसीजर कंटिन्यू चलती ही रहती है, और मैंने आगे प्रोसेस में कहीं पर एक स्टेप से वापस चालू किया, मतलब आगे वाले सभी लॉग 5 बेस 5 लॉग 6 बेस 6 इस तरह से बन के सब 1 हो गए हैं, और यहाँ से वापस वो प्रोसीजर कंटिन्यू की ताकि आपको समझ में आए कि लास्ट में क्या होगा.
तो बस इस तरह से लास्ट तक ये बन जाएगा, और लास्ट में भी लॉग 2:2 बन के 1 हो जाता है ये। सो क्वेश्चन दिखने में टफ होता है, बट एक्चुअल में हर बार ऐसा नहीं होता। टफ क्वेश्चन जो दिखता है वो मोस्टली होता इजी ही है, बस वो बेसिक कंसेप्ट बराबर से यूज़ करने आने चाहिए। ओके जैसे कि ये क्वेश्चन में ये एक नया कंसेप्ट है, तो मैंने उसका प्रूफ साइड में दिया है कि ये कैसे बना कंसेप्ट, बराबर। तो उसको याद रखना है आपको, और उसका दूसरा, इसका दूसरा प्रूफ भी है, वो आप ये 11th में पढ़ोगे, सीरीज एंड सीक्वेंस चैप्टर में, कि ये एक्चुअल में AM है और ये GM है। तो ये AM हमेशा ही GM से बड़ा होता है, वो सब आप 11th में पढ़ोगे। टिल नाउ अगर आपके पास जितना नॉलेज है एल्जेब्रिक ऑपरेशन का, उसके हिसाब से आप इस तरह से लिख सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन को कवर करने का एक ही हेतु है मेरा, एक ही टारगेट है कि आप हर तरह से कंप्लीट हो पाओ। कोई भी सिचुएशन में आपके पास कुछ ना कुछ तो तोड़ होना ही चाहिए कि भाई कैसे आंसर बनाए, है ना। तो पूरे 11th 12th में हमको वही देखना है कि सिचुएशन कैसी आए तो हमको कैसे सोचना है, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको हर तरह के क्वेश्चन को ट्रीट करने में आइडिया आना चालू हो जाएगा कि ये तो चलो इस तरह का है, हम आगे कैसे सोचे। जैसे ये वाले क्वेश्चन में अगेन सीरीज एंड सीक्वेंस में ये इस तरह की सीरीज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम पे, आप लोग ने अब तक नहीं पढ़ी 10th में, तो इसका फॉर्मूला है इनफाइनाइट सीरीज का। तो अभी 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 तक अभी तो सिर्फ याद रख लो ऐसा है, तो इट इज़ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विच यू विल स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड सीरीज एंड सीक्वेंस चैप्टर में। बाद में फिर ऐसा है तो हम सेपरेटली पढ़ लेंगे। हाँ, इसमें ए क्या है, तो ए फर्स्ट नंबर जो उसको ए बोलते हैं, और आर क्या है, तो आर हमेशा T2/T1, जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सब्ट्रैक्शन होता है, डिफरेंस का मतलब D=D2-D1, T2-T1 होता है, वैसे ही वहाँ यहाँ पे आर है। आर मतलब रेशियो, रेशियो ऑफ सेकंड टर्म टू फर्स्ट टर्म। तो अगर आप सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म का रेशियो लोगे 0.01/0.1, देन यू विल फाइंड दैट R=0.1। वही मैंने यहाँ पे रखा है बस। तो यही सिर्फ नया था, बाकी सब कुछ तो वैल्यू, इसकी वैल्यू 1/9 करके आप अंदर अंदर बराबर से सेट करके ऑपरेशन को बराबर करोगे, तो ये लास्ट में आपको ईजी आंसर बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर 81 है। सो ये हमारे 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन। आप हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझो बराबर से, ना समझ में आए मुझे कॉल करो या फिर कमेंट सेशन में लिखो, है ना। जिसके पास मेरा नंबर है, मेरे क्लास के जो स्टूडेंट है उस वो मेरे को कॉल कर सकते हैं। बाकी सब स्टूडेंट जो मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं वो लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं कि भाई सर इसमें डाउट है, ये क्वेश्चन में ये इस तरह की प्रोसीजर कैसे लगाई, क्यों लगाई, ठीक है। चलो तो फिर थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये लॉगरिथम वाली शीट आप बराबर से सॉल्व करके आप सबमिट कर लेना, ठीक है। अपने बुक में, फेयर बुक में बराबर से लिख लेना इसको भी, लॉगरिथम के कंसेप्ट के बाद जो थोड़े बहुत क्वेश्चन लिखे उसके बाद ये सब क्वेश्चन बराबर से लिख लेना, क्लियर। चलो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।